नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ब्रेन अंडरस्टैंडिंग शो में। तो दोस्तों, यूक्रेन युद्ध में धूम मचा रहा रूसी ब्रह्मास्त्र S-400 अब भारतीय वायुसेना की शान बन चुका है। दरअसल आपको बता दें कि भारत ने रशियन एयर डिफेंस सिस्टम S-400 की 2 स्क्वाड्रन ऑपरेशनल कर दिया है और अब भारत पहली बार S-400 की किलर मिसाइलों का परीक्षण करने जा रहा है, जिससे कि सुपर पावर अमेरिका भी खौफ खाता है। दरअसल रूस का बनाया S-400 दुनिया का सबसे सक्सेसफुल और ताकतवर एयर डिफेंस सिस्टम है। इसके पहले रूसी मिसाइल डिफेंस सिस्टम ताइवान से लेकर वियतनाम युद्ध में कमाल दिखा चुके हैं। हालांकि भारतीय अधिकारियों ने पहले रूस में इस मिसाइल का परीक्षण किया था, लेकिन अब भारत में इसका परीक्षण पहली बार होगा। तो दोस्तों, चलिए आपको बताते हैं कि आखिर इस महाशक्तिशाली एयर डिफेंस सिस्टम का जन्म कैसे हुआ। लेकिन उससे पहले, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना न भूलें और साथ ही बेल आइकन को भी दबा दें, ताकि हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए शुरू करते हैं। दरअसल भारत ने साल 2018 में रूस से 5 S-400 एयर डिफेंस सिस्टम के लिए एक डील किया था, जिसमें 3 S-400 की डिलीवरी हो चुकी है। रूस के यूक्रेन युद्ध में उलझ जाने के कारण अब बचे हुए 2 S-400 सिस्टम की आपूर्ति बीच में ही लटक गई है। रूस दुनिया में सबसे बेहतरीन एयर डिफेंस सिस्टम के लिए जाना जाता है। दरअसल एक्सपर्ट का ऐसा कहना है कि सोवियत यूनियन के जमाने में वेस्टर्न कंट्रीज के साथ शीत युद्ध के दौरान जमीन आधारित एयर डिफेंस सिस्टम को बनाने पर काफी निवेश किया गया था, जिसका फायदा अब रूस को ही हो रहा है। सोवियत यूनियन की तरफ से पहले एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल सिस्टम को साल 1955 में तैनात किया गया था और इसका नाम S-25 बैरकूट रखा गया था। S-25 बैरकूट एयर डिफेंस सिस्टम 20 किलोमीटर की ऊंचाई पर सुपरसोनिक स्पीड से उड़ रहे लक्ष्य को मार गिराने में सक्षम था। लेकिन इस सिस्टम में बड़ी दिक्कत यह थी कि इसे एक जगह से दूसरी जगह ले जाया नहीं जा सकता था और साथ ही इसे सोवियत यूनियन में दुश्मन से छिपाकर रखना भी मुश्किल था। और S-25 की इन कमियों के वजह से ही बाद में S-75 डेविना का जन्म हुआ। दरअसल S-75 दुनिया के इतिहास का बहुत बड़े पैमाने पर तैनात किया गया एयर डिफेंस सिस्टम था और इसने उस जमाने के सुपर पावर कहे जाने वाले अमेरिकी सैन्य ताकत के प्रतीक के कुछ विमानों को जंग में मार गिराया था। और S-75 सिस्टम को सबसे पहले साल 1957 में तैनात किया गया। इसने 7 अक्टूबर 1959 को चीन के ऊपर उड़ रहे ताइवान के एक मार्टिन RB-57D कैनबेरा विमान को मार गिराया था और दुनिया से S-75 प्रोग्राम के रहस्य को छिपाने के लिए इसका क्रेडिट चीन के फाइटर जेट को दिया गया था। और साथ ही आपको एक और बात बता दें कि S-300 का रडार अमेरिका के सबसे आधुनिक F-35 के लिए भी बहुत बड़ा खतरा है, क्योंकि इसका रडार वेरी हाई फ्रिक्वेंसी वाला है। और रूस ने इसके बाद S-400 का निर्माण किया, जो कि S-300 का अपग्रेडेड वर्जन है। इसे साल 2007 में सबसे पहले रूसी सेना में शामिल किया गया था। उसके सिस्टम में 8 डिवीजन होते हैं और 72 लॉन्चर को कंट्रोल कर सकता है। इसमें मैक्सिमम 384 मिसाइलें होती हैं और ये मिसाइलें 400 किलोमीटर तक दुश्मन की मिसाइलों, फाइटर जेट और क्रूज मिसाइलों को मार गिराने में सक्षम है। और रूस ने अब S-400 का भी अपग्रेडेड वर्जन बना लिया है, जिसका नाम S-500 है। दरअसल रूस का ऐसा दावा है कि यह हाइपरसोनिक मिसाइलों को मार गिराने में सक्षम है। तो दोस्तों, अगर हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना न भूलें और साथ ही कमेंट करके हमें बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। धन्यवाद।